छतरपुर में महिलाओं ने ऐसा काम किया जो एक मिसाल बन गई। एक छोटे से गांव अंगरोठा में महिलाओं ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इस गांव की 100 महिलाओं ने समाज सेवी संस्था के साथ मिलकर 107 मीटर लंबे पहाड़ को काटकर पानी के लिए रास्ता बनाया है। पहाड़ की वजह से सरकार द्वारा बनाए गए तालाब में पानी नहीं ठहरता था, इसलिए इन महिलाओं की वजह से आज यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं। पिछले वर्ष हम लोगों ने परमार्थ समाज सेवी संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं। पिछले वर्ष हम लोगों ने 3 आउटलेट, 6 चेक डैम और 2 कुआ रिचार्ज करवाए थे, जिसमें अच्छा पानी भरा हुआ था बारिश की वजह से। और इस वर्ष भी हमारे तालाब में, तालाब तो बहुत दिनों से बना हुआ है लेकिन उसमें अधिक पानी नहीं जाता था, जिसकी वजह से वो पानी उनके गिर रिसाव होकर निकल जाता था और तालाब सूख जाता था। इसलिए हम लोगों ने परमार्थ समाज सेवी संस्था की मदद से सारी जल सहेलियों ने मिल कर के एक यहाँ से जंगल का पानी रोककर और तालाब में एक नाला के द्वारा पहुँचाया, जिससे एक ही बारिश में हम लोगों का तालाब बहुत सारा भर गया है। और इससे पीने के लिए भी पानी का वाटर लेवल बढ़ेगा और कम से कम करीब बहुत सारे किसानों के लिए खेती के लिए भी पानी पर्याप्त होगा और खरीफ की फसल के लिए भी बहुत सारा पानी हो जाएगा और फसल भी अच्छी होगी, जिससे किसानों के लिए बहुत सारा फायदा होगा। और मतलब कि गाय भैंसों के लिए भी पानी पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा तैरने के लिए, पीने के लिए, और गांव का वाटर लेवल बढ़ेगा जिससे नलकूपों में पानी ऊपर आएगा और महिलाओं को लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। दरअसल 100 से ज्यादा महिलाओं ने श्रमदान कर करीब 18 महीने में पहाड़ के बीच से पानी आने का रास्ता तैयार कर दिया। पहले यहाँ पहाड़ों के जरिए बरसात का पानी बहकर निकल जाता था, लेकिन इस पानी को सहेज कर महिलाओं ने गांव की दशा और दिशा बदल कर रख दी। छतरपुर से लोकेश चौरसिया की रिपोर्ट।